के पास शक्ल है, किसी के पास अक्ल है, जिसके पास दोनों वही अब एक बीता हुआ कल है। वो तो गया, अपनी मासूमियत भी ले गया, सितारा बनने आया था और तारा बन गया। वो उभरता हुआ सितारा जिसने छोटे पर्दे से शुरुआत कर बॉलीवुड के 70 mm पर्दे पर अपनी ऐसी चमक बिखेरी कि कम समय में ही बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया था। आज हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जो तारा बनकर रह गया, यानी सुशांत सिंह राजपूत उर्फ गुलशन। सुशांत जिस तेजी के साथ ऊंचाई पर थे जो शायद ही कोई पहुंच सके, सुशांत की मेहनत और लगन ही उनको आगे बढ़ाती गई। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे अभिनेता में गिने जाते हैं जिन्होंने काफी कम समय में अपना नाम कमाया और फिल्म इंडस्ट्री में खुद की अलग पहचान बनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत नाम का सूरज हमेशा के लिए डूब गया? आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन यानी 14 जून 2020 ये वो मनहूस पल था जब सुशांत सिंह की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था। पटना के रहने वाले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। महज 34 साल की सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से चले जाना परिवार के साथ साथ उनके चाहने वालों को भी धक्का लगा। हर कोई हैरान था कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बिहार के पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पटना में ही रहता था। सुशांत सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई बिहार के मशहूर सेंट कैरेंस हाई स्कूल से की थी। सुशांत ने इसी स्कूल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी दी थी, जिसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होकर आगे की पढ़ाई कर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सुशांत के पिता सरकारी अधिकारी हैं। उनका परिवार साल 2000 के शुरुआती समय से ही दिल्ली में बस गया था। बता दें कि सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिसमें से एक नीतू सिंह है जो नेशनल लेवल की क्रिकेटर खिलाड़ी है। बात करते हैं सुशांत के करियर की। सुशांत के करियर की शुरुआत एक बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में भी कई बार डांस किया था। वहीं पर सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनकी करियर की शुरुआत साल 2008 में किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन जीटीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। साल 2009 में पवित्र रिश्ता जैसे मशहूर सीरियल में उन्होंने अहम किरदार निभाया था। इस सीरियल की वजह से वो काफी प्रसिद्ध भी हुए थे। उन्हें फिल्मों में जाने का रास्ता भी इस सीरियल के माध्यम से ही मिला। इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच की दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 के बाद यहां से ही उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से उनका फिल्मों में जाने का रास्ता साफ दिख रहा था। साल 2013 में आई फिल्म काई पोछे से सुशांत ने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी, पीके और केदारनाथ छिछोरे जैसी फिल्मों में शानदार एक्टिंग दिखाई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसमें उनके साथ संजना सांघी नजर आई। ये फिल्म 24 जुलाई 2020 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। इस मूवी को देख उनके चाहने वाले काफी भावुक हुए कि काश वो जिंदा होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुशांत एक्टिंग के साथ साथ अंतरिक्ष समाचारों का शौक रखते थे। सुशांत सिंह ने खुद चांद पर भी जमीन खरीदी थी। सुशांत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और फैंस को
खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष से रिलेटेड जानकारी देते थे। सुशांत सिंह राजपूत वो बॉलीवुड एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। लेकिन 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या करना सभी को परेशान और हैरान कर गया। उनके प्रशंसक और बॉलीवुड जगत उनकी मौत की खबर से सदमे में चला गया। बता दें कि 16 जुलाई 2020 को सुशांत की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस इस केस की अच्छी तरह जांच करने में समर्थ है। लेकिन 5 अगस्त 2020 केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी थी। सुशांत की मौत की ठीक 40 दिन बाद 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके पिता समेत 5 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में शुरुआती जांच में सामने आया कि उनकी आत्महत्या की वजह डिप्रेशन बताई जा रही है। अभी तक उनकी मौत के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये मामला ड्रग पेडलर के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी अनसुलझी रह गई। उम्मीद करते हैं कि ये गुत्थी जल्द ही खुलेगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत वे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जिस तरह से अपने बिना किसी सपोर्ट के अपने बलबूते पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। सुशांत सिंह राजपूत, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। इसी के साथ एक लोकल लोकल न्यूज़।